हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं एक इम्पॉर्टेंट और एक क्लिनिकल यूजफुल टॉपिक। क्या पहले हार्ट अटैक में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ये बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जानना और समझना ज़रूरी है कि कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि हार्ट अटैक में व्यक्ति की मृत्यु होगी या नहीं। क्या पहले ज़माने में जो डिक्टम चल रहा था कि तीसरा हार्ट अटैक होगा तब व्यक्ति की मृत्यु होगी, ये कितना सही है कितना गलत है, इस बारे में बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूजफुल होने वाला है, इसलिए मैं अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस वीडियो को इस एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलता है। और जब भी मैं कोई नया कंटेंट ऑनलाइन अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप मेरे कंटेंट को पहले देखकर उसका एडवांटेज ले सकेंगे। आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। बेसिकली हार्ट अटैक क्या है? हृदय में नॉर्मली 3 नलियाँ होती है, 100 में से 5 से 7% लोगों में 4 नलियाँ होती है, एक एडिशनल रैमस नली भी कुछ कुछ लोगों में होती है। अगर इनमें से कोई भी एक नली या उसकी कोई भी ब्रांच अगर बंद हो जाए और 100% सडनली बंद हो जाए, जिसमें कार्डियक एंजाइम्स भी एलिवेट हो जाते हैं, यानी हार्ट का कुछ टिश्यू अगर परमानेंटली डैमेज होता है या सड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड में कार्डियक एंजाइम्स आते हैं, तो बाय डेफिनेशन इसे हम हार्ट अटैक बोल सकते हैं। हार्ट अटैक मतलब नली का सडन बंद होना इंपॉर्टेंट है, 100% बंद होना इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडली टिश्यू का डैमेज होना इंपॉर्टेंट है, परमानेंट टिश्यू का नेक्रोसिस होना इंपॉर्टेंट है। ये दो पैरामीटर्स के बेसिस पर डिसाइड होता है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक है या नहीं। बेसिकली हृदय में 3 नलियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने बात किया, इनमें से कोई भी नली या उसकी अगर कोई ब्रांच अगर सडनली बंद हो जाए और टिश्यू डैमेज हो जाए तो हार्ट अटैक उसे बोलते हैं। ज़्यादातर हार्ट अटैक कब होता है? हार्ट अटैक ज़्यादातर तब होता है जब हार्ट की कोई नली में 70-80% ब्लॉकेज होता है और उसमें सडनली लोही का थक्का या ब्लड का क्लॉट आके फंस जाता है और सडनली नली बंद हो जाती है, तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। इसमें ब्लड का प्रवाह सडनली बंद हो जाता है और सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। ये सेल्स इसलिए मरते हैं क्योंकि सेल्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन का सप्लाई नलियों के थ्रू ही मिलता है, और जब नली बंद हो जाती है तो सेल्स का ऑक्सीजन सप्लाई और ग्लूकोज सप्लाई बंद हो जाता है, जिससे सेल्स मरना चालू हो जाते हैं, सड़ना चालू हो जाते हैं। एक बार जो सेल्स मर गए वो पुनर्जीवित नहीं होते, परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। कहा जाता है कि हर हार्ट अटैक के पेशेंट में जो नली को खोलने में हर 30 मिनट का डिले होता है, उसमें मृत्यु होने का चांस 8% के हिसाब से बढ़ते जाता है। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। बेसिकली हार्ट अटैक में पहले हार्ट अटैक में मृत्यु होगी या नहीं, ये कौन से फैक्टर से डिसाइड होता है? बेसिकली हार्ट अटैक का मृत्यु दर ओवरऑल अराउंड अनट्रीटेड हार्ट अटैक का 30% मृत्यु दर होता है। 30% लोग लगभग हार्ट अटैक में अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें से 10-15% पेशेंट जिनकी मृत्यु होती है वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। और अगर हार्ट अटैक का अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी हो और अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो तो भी मृत्यु दर लगभग 8-10% होता है। इनमें अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका बीपी बहुत ज़्यादा कम है, जिसे कार्डियोजेनिक शॉक सिचुएशन कहते हैं। बेसिकली कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब ये है कि व्यक्ति का हार्ट इतना ज़्यादा वीक हो गया कि वो बीपी जनरेट नहीं कर पा रहा है। बेसिकली हार्ट जब फोर्सिबली ब्लड को पंप करता है तभी ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। अगर हार्ट वीक हो गया और धीरे धीरे काम कर रहा है तो बीपी जनरेट नहीं होगा, और हार्ट एक तरह से वीक हो गया इतना ज़्यादा, ये इस बात का द्योतक है, इस बात का चिन्ह है। अगर किसी का आदमी का ब्लड प्रेशर 90 से कम है, यानी 90 से कम अगर कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर वो मेंटेन कर रहा है और हार्ट इतना ज़्यादा वीक हो चुका है, दवा के बावजूद भी अगर बीपी 19 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, डिस्पाइट कि हम पेशेंट को खून ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयां भी दे रहे हैं, तो उसे कार्डियोजेनिक शॉक सिचुएशन बोलते हैं। इसमें बगैर ट्रीटमेंट मृत्यु दर लगभग 90-95% रहता है और ट्रीटमेंट के बाद भी मृत्यु दर 50-55% तक रहता है। तो बेसिकली हार्ट अटैक में मृत्यु दर अलग अलग केस में कितना ब्लड प्रेशर है और कैसी कंडीशन है, इन सारे फैक्टर्स पर डिसाइड होता है। बेसिकली हार्ट अटैक इस बात से डिपेंड करता है कि व्यक्ति को कितना बड़ा हार्ट अटैक है और कौन सी नली का हार्ट अटैक है, व्यक्ति का कोलैटरल सप्लाई कैसा है, नली बंद होने के बाद व्यक्ति को परफ्यूजन या टिश्यू डैमेज को बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट मिला वो कितनी जल्दी मिला, इन सब बातों पर डिसाइड होता है कि हार्ट अटैक का मृत्यु दर कितना है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पहला हार्ट अटैक है या दूसरा या तीसरा। अगर पहली नली में भी मेजर हार्ट अटैक है या एक पहली बार में ही अगर मेन नली में हार्ट अटैक आ गया तो मृत्यु हो सकता है। हार्ट की मेन नली जिसको लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं, ये हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के 70% एरिया को सप्लाई करती है, यानी हार्ट के बहुत बड़े चंक को सप्लाई करती है। इस नली का हार्ट अटैक सबसे बड़ा हार्ट अटैक या मेजर हार्ट अटैक बोला जाता है। इससे भी बड़ा एक लेफ्ट मेन आर्टरी होती है जिससे लेफ्ट साइड की दो ब्रांचेस निकलती है, लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये दोनों जो निकलती है उसमें एक छोटा सा पोर्शन एक होता है जिसे लेफ्ट मेन बोलते हैं, अगर उसका हार्ट अटैक हो जाए तो सबसे मैसिव हार्ट अटैक होता है, उसमें 80-90% पेशेंट हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच पाते। फिर भी बाकी नलियों के हार्ट अटैक में कंपेरेटिवली मृत्यु दर कम होता है, लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी की हार्ट अटैक में कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा मोर्टैलिटी होता है। बाकी सब नलियाँ कितने साइज़ की है, कितना एरिया सप्लाई कर रही है, कितनी ब्रांचेस डैमेज हुई है, हार्ट अटैक
आगे वाले पार्ट में हुआ है कि डिस्टल एंड में हुआ है, कितनी ब्रांचेज में ब्लड सप्लाई बंद हुआ है, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। कितना जल्दी पेशेंट को ट्रीटमेंट मिला, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होगी या नहीं। इस बात का इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है कि पहला हार्ट अटैक है दूसरा या तीसरा। ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ हार्ट अटैक होते जाते हैं उतना हार्ट को परमानेंट डैमेज होते जाता है, तो जिस व्यक्ति को मल्टीपल हार्ट अटैक ऑलरेडी पहले आ चुके हैं उसका मृत्यु दर डेफिनेटली ज़्यादा होगा। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले हार्ट अटैक में मृत्यु नहीं हो सकती। ऑब्वियसली किसी की एक नली बंद हो गई वो झेल गया, सेकेंड नली बंद हो गई फिर झेल गया, फिर एक आध ब्रांच बंद हो गई फिर झेल गया। नंबर ऑफ अटैक्स जितने बढ़ते जाएंगे उतना हार्ट का टिश्यू परमानेंट डैमेज होते जाएगा, मृत्यु दर उतना ही बढ़ते जाता है। जितना एरिया परमानेंट डैमेज होता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी या काम करने की ताकत उतनी ज़्यादा कम होते जाती है, उतना मृत्यु दर बढ़ते जाता है। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को एक साथ मल्टीपल अटैक्स भी आते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर कोई नली पहले से ही बंद है और वो उसको कोई और नली कोलैटरल सप्लाई या ब्रांच चैनल सप्लाई कर रही थी, अगर सडनली जो सप्लाई करने वाली नली है वो बंद हो जाती है तो एक साथ डबल इन्फेक्ट आ जाता है, क्योंकि वो नली खुद का एरिया जो सप्लाई कर रही थी वो तो बंद हो ही गया और वो जो दूसरे को खाना दे रही थी या दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई दे रही थी वो भी सडनली बंद हो गया। तो ऐसे लोगों के हार्ट अटैक में ज़्यादा मृत्यु दर होता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। काफ़ी पेशेंट बहस करते हैं, साहब पहला हार्ट अटैक था कैसे मर गया पेशेंट, पहला हार्ट अटैक था हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाया मर गया, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, इस बार कैसे हो गया और इस बार पेशेंट कैसे मर गया। तो बेसिकली ये समझने की ज़रूरत है कि पहला हार्ट अटैक दूसरा हार्ट अटैक या तीसरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कितना हार्ट का पंप फंक्शन बाकी है, कितना हार्ट का पंप फंक्शन काम कर रहा है जब पेशेंट हॉस्पिटल आता है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है, एंजियोप्लास्टी कितना जल्दी हो पाता है, ट्रीटमेंट कितना जल्दी मिलता है, दवाओं का ट्रीटमेंट कैसा मिल पा रहा है, पेशेंट का ओवरऑल कंडीशन कैसा है, पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट का रिस्क फैक्टर्स कैसा है, ये सब फीचर्स को डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है नहीं। कई बार बहुत पहले हार्ट अटैक में भी बिना रिस्क फैक्टर वाला पेशेंट भी मर जाता है, और कई बार मल्टीपल हार्ट अटैक झेला हुआ मल्टीपल छोटे छोटे हार्ट अटैक जिसको आए वैसे व्यक्ति भी 50 साल जी लेता है। तो इसलिए इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि कितना नंबर का हार्ट अटैक है। हाँ ऑब्वियसली नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स बढ़ने से टिश्यू डैमेज बढ़ जाता है तो रिस्क तो बढ़ जाता है, लेकिन पहले हार्ट अटैक में मृत्यु नहीं हो सकती ऐसा बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और व्यक्ति को ये जानना समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार लोग लाइटली लेते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं अक्यूट हार्ट अटैक में एक नली बंद हो जाती है तो बोलते हैं अरे साहब पहले हार्ट अटैक में कोई नहीं मरता, आप तो ट्रीटमेंट मत करो, कोई बात नहीं है देखी जाएगी कोई नहीं मरेगा। तो ये बिल्कुल ही भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि पहले हार्ट अटैक में मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु पहले हार्ट अटैक में भी हो सकती है, बस डिपेंड इस बात पर करता है कि कितना बड़ा हार्ट अटैक है और ट्रीटमेंट कितना जल्दी पेशेंट को मिल रहा है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि व्यक्ति इतने हार्ट अटैक झेल पाएगा या 5 हार्ट अटैक के बाद मृत्यु हो जाएगी कि 4 के बाद या 3 के बाद, ऐसा नहीं है। कितने बड़े अटैक्स उसको आए हैं और उस समय व्यक्ति का कोलैटरल सप्लाई कितनी जल्दी उसको मिला, जो एरिया डैमेज हुआ है वो कितना है, ब्लड प्रेशर और बाकी पैरामीटर्स कितने अच्छे मेंटेन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि मृत्यु दर कितना रहेगा। इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मैनेजमेंट में है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति को पहला हार्ट अटैक आता है तो उसको सीरियसली लेता ही नहीं है, हॉस्पिटल आता नहीं है, हॉस्पिटल आने के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता, रिलेटिव हमसे बहस करते हैं कि साहब पहले हार्ट अटैक में कुछ नहीं होता आप टेंशन मत लो, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। और अगर पहला हार्ट अटैक है तो भी उसको इक्वली सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जिनको बार बार हार्ट अटैक आ चुका है उनको बार बार वार्निंग मिल चुकी है तो उनको तो और ज़्यादा लेने की ज़रूरत है सीरियसली, लेकिन पहले आपको भी इग्नोर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर बड़ा हार्ट अटैक तो डेफिनेटली पेशेंट की मृत्यु हो सकती है और 25-30% ही मृत्यु दर होता है, डिपेंडिंग कि कितना बड़ा हार्ट अटैक है और कितना टिश्यू एरिया इन्वॉल्व है उस हार्ट अटैक में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है डिसाइड करने के लिए कि कितना व्यक्ति को उस हार्ट अटैक से फ़र्क पड़ने वाला है। एक चीज़ ये भी है कि ये चीज़ एम्फोसाइज करता है कि हर हार्ट अटैक वाले पेशेंट में एंजियोग्राफी ज़रूरी है। कई बार लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, लोग पहला हार्ट अटैक है बोल के इग्नोर कर देते हैं और एंजियोग्राफी नहीं कराते। इस वजह से एक नली तो ऑलरेडी बंद होगी, बाकी नली में भी 70-80-90% कितना भी ब्लॉकेज हो सकता है, वो चीज़ इग्नोर हो जाती है। और फाइनली जब पेशेंट सेकेंड या थर्ड हार्ट अटैक लेके आता है तो वो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट सही हो जाता है कि थर्ड हार्ट अटैक में पेशेंट मर जाता है क्योंकि तीनों तीन नलियाँ बंद हो जाती है। ये तीनों तीन नलियों में हार्ट अटैक की वजह से जो मृत्यु हो रही है वो पेशेंट की नेग्लिजेंस है कि उसने पहले हार्ट अटैक में एंजियो नहीं कराया, बाकी नलियों की एनाटॉमी नहीं देखी और इतनी लापरवाही बरती कि उसको बार बार हार्ट अटैक आया और उसका पंप फंक्शन बिगड़ने दिया उसने, इसीलिए उसकी मृत्यु हुई। ऐसा नहीं है कि थर्ड हार्ट अटैक आना तय था, थर्ड हार्ट अटैक आना इसलिए हुआ क्योंकि उसने लापरवाही की और उसने एंजियोग्राफी नहीं की। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हार्ट अटैक आए आपको एंजियो कराना ज़रूरी है, क्योंकि एक नली तो 100% बंद हो गई इतना आप ECG पर से बता सकते हो, लेकिन बाकी नलियों का हाल क्या है,
बाकी नलियों में ब्लॉकेज है या नहीं, बाकी नलियों में एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है या नहीं, उनको कैसे बचाना है, उनको दवा पर चलाना है, स्टेंट करना है, बाईपास करना है, वो सारा डिसीजन एंजियो पर बेस्ड है। और अगर कोई एंजियो करने में ऐसे केस में लापरवाही करता है तो वैसे केस में मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। आज के टॉपिक के माध्यम से हमने ये डिस्कस किया कि पहला हार्ट अटैक, दूसरा हार्ट अटैक, तीसरा हार्ट अटैक, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली गलत है। बेसिकली कितना बड़ा हार्ट अटैक है, कितना एरिया इन्वॉल्व कर रहा है, और पेशेंट की जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है, उसके साथ रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, उसका शुगर, ब्लड प्रेशर, लंग्स में पानी का कंडीशन, किडनी का कंडीशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि व्यक्ति की मृत्यु होगी या नहीं, एज़ कम्पेयर्ड सिर्फ ये मान के बैठना कि सिर्फ पहला हार्ट अटैक है तो कोई नहीं मरेगा, ये बिल्कुल गलत है। और ये मिसकंसेप्शन की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये भ्रांति को अपने मन से निकाल दीजिए कि पहला हार्ट अटैक है तो नहीं मरेगा, दूसरा मरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कितना बड़ा हार्ट अटैक है और कितने रिस्क फैक्टर्स है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि मृत्यु दर कितना होगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट और क्लिनिकली यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े, आपको डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स या गूगल से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, डेली बेसिस पे आप इससे एक्सेस कर सकें, ताकि आपको बीमारी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और बीमारी को आप बेटर समझ सकें, अपने पेशेंट को ज़्यादा बेटर मैनेज कर सकें और उसका इलाज एक बेटर वे में डिस्कस करके डॉक्टर के साथ मैनेज कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स को हमको फ्यूचर में कवर करना चाहिए, अपने चैनल पर डिस्कस करना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। सो दिस डॉक्टर नवीन अग्रवाल, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे टॉपिक को पूरे एंड तक देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ रेलेवेंट और क्लिनिकली यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिले और इस तरह का अच्छा कंटेंट हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहें।